आज हम डिस्कशन करेंगे आज के हालातों के ऊपर। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी, और साथ में हमारे एक जुड़ी हैं स्वर्णा जी, डॉक्टर स्वर्णा जी, हम इनसे बात करेंगे। तो वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज जैसा परिस्थिति चल रही है, आप क्या समझते हैं, ऐसे इसमें हम कहाँ गलत हैं? ये जो देश की हालत है जी सर, अगर हम उसकी बात करें तो देश में इस समय बड़ा निराशा का माहौल। जी जी, और निराशा इसलिए नजर नहीं आ रही कि जब वो आज के समय में हम देखते हैं आदमी बीमार हो जाता है, उसके मन में पहले उसका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इलाज जो है घर लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा जी। और ये लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर कि लोग जो है अपना सारा जीवन जो है छोड़कर जो है घरों में बैठे हुए हैं, और वो जो है इंतजार कर रहे हैं कहीं इतनी सुबह तो वो घर। तकरीबन आज 17-18 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, लोग बेरोजगार हैं, घरों में हैं, उनका कोई सुध नहीं ले पा रहा है, सरकार चुपचाप बैठी है, तो इस विषय में सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? हमारे रविंद्र जी का संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनके पास आएंगे। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हम 17-18 दिन से लॉकडाउन में अंदर है, अपने घरों में रह रहे हैं, आप क्या कमी समझती हैं? देखिए, कमी तो क्योंकि लोगों के अंदर एक तो भय बैठा हुआ है कि जो ये हमारा कोरोना का वायरस आया हुआ है, यह हवा के अंदर फैला हुआ है जी। तो लोग एक इसलिए डरे हुए हैं कि जो हॉस्पिटल जाता है वहां से वो वापस नहीं आता, क्योंकि अब लोगों ने इतनी मतलब ब्लैक मतलब लोगों ने धंधा ये शुरू कर लिया है कि हॉस्पिटल जाते हैं, एक तो मरीज के पेश जो मरीज के मिलने वाले होते हैं उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता, और एक दिन के बाद या दो दिन के बाद या चार दिन के बाद डॉक्टर बोल देते हैं आप आइए, आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, और उसके बाद ही वो वहां पे दिखा देते हैं कि उसकी डेथ हो गई। तो दुनिया इससे त्राई माह हो रखी है, और उसके बाद वो बॉडी नहीं देते कि जब तक उनका 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उनका बिल उनको पे ना किया जाए। जी, तो हम ये जानना चाहते, हम ये जानना, अभी हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं। हाँ जी रविंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? जी रविंद्र जी, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, स्वर्णा जी ये कुछ बता रही हैं कि आजकल जो हॉस्पिटलों में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, आप कितना मतलब इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी जो है अगर किसी अस्पताल में जाता है, और जो पर्टिकुलरली जो कोरोना के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, क्योंकि हर जगह कोरोना का इलाज नहीं होता, तो कोरोना डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है उनकी हालत जो है बद से बदतर है। आप देखते हैं कि कोरोना के हॉस्पिटल में मरीज को भेजने के बाद आपको ये नहीं पता होता कि उसकी क्या हालत है, उसको कैसे देखभाल की है। लोगों ने पहले भी मांग की थी कि जो मरीज है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि वो बाहर से तो देख सके, मॉनिटर कर सके कि भाई उनके मरीज की हालत क्या है, लेकिन आप देखिए कि मरीज के अंदर जाने के बाद ये नहीं पता होता कि मरीज किस वार्ड में है, किस बिस्तर पे है, उसकी हालत क्या है, कैसी नहीं है, और सिर्फ जो है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था और हाईकोर्ट ने भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि समय समय पर जो है एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर होना चाहिए जो आकर उसके मरीज के जो तीमारदार हैं, जो उसको लेने वाले हैं, उनको उनके हाल के बारे में उनसे बात कराए, लेकिन ये सारी बात जो है कागजों पर है, अभी तक इसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया है,
और लोग ये समझते हैं कि अगर उनका मरीज चला गया है तो सिर्फ उनके पास खबरें आती हैं और खबरें इतनी हृदय विदारक होती है कि अल्टीमेटली ये पता चलता है कि उनका मरीज जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा है और वो मर गया है। सिर्फ अस्पताल का काम ये रह गया है कि वो उससे पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास जो इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस का सारा पैसा निकाल लें, या आदमी को कहें कि भाई आप इतने पैसे जमा करो, फिर वो बताएंगे जी आपके लिए स्पेशलिस्ट बुलाया है, इसकी किडनी खराब हो गई, इसके जो है हार्ट में जो है अटैक आ गया है, इसका जो है ब्रेन हेमरेज हो गया है, और अल्टीमेटली जो है आप देखेंगे आधे से ज्यादा केसों में यही खबर आती है कि जो आईसीयू या वेंटिलेटर पे मरीज गए हैं वो मर गए, और ये जो है इस पैनिक फैल गया है। अच्छा वकील साहब एक और बात जानना चाहते हैं, जैसे कि ये कोरोना 17-18 दिन से पहले, मैं यूं कहिए कि फरवरी से ही स्टार्ट है और उस समय कुछ भी केस नहीं थे, और हमारी सरकार अगर चाहती तो इस पर अंकुश लगा सकती थी, इसकी तरफ ध्यान दे सकती, तो कहां गलती हुई हमारी सरकार? आपकी सरकार से गलती ये हुई कि आपकी सरकार ने, मोदी जी ने 8 मार्च को जी इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी जी, उसमें अनाउंस कर दिया हमने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना हिंदुस्तान से खत्म हो गया है, और हम जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वैक्सीन की फैक्ट्री है, और हम पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे और हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री ये अनाउंस कर दें कि हमारे देश में कोरोना ही नहीं है, तो अगर आप ये मान लेते हैं जो डर था वो खत्म हो गया है, तो लोग तो उसके मान उनकी बात पर ही यकीन करके जो है मानेंगे कि कोरोना खत्म हो गया है, और इसीलिए जितनी भी कोरोना की एहतियात थी वो लोगों ने खत्म कर दी, कोरोना को लेकर जितनी भी जिम्मेदारी या जितनी भी तैयारी थी वो बंद हो गई, और उसके बाद जो है कोरोना ने अपना रूप दिखाया, और सरकार जो उस समय से चुनाव के मूड में थी वो चुनाव लड़ रही थी, और आप देखेंगे कि चुनाव की किसी भी रैली में नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने कभी कोई मास्क नहीं पहना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वो तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि 2014 में या 2019 में चुनाव लड़ रहे हो, और इसलिए जो है लोग जब देखा यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ही नहीं पहन रहा प्रजा को पहनने की क्या जरूरत है, और उन्होंने भी नहीं पहना, और इसलिए अब जो है कोरोना के वो शिकार हो गए। हमारे पब्लिक जनता में यही आक्रोश है कि एक तरफ यानी ये रैलियां कर रहे थे और रैलियों की वजह से ये कोरोना बढ़ा है, और आज भी यानी ये बताएं ग्राम पंचायत के जितने चुनाव हुए हैं जो उन दोनों चले हैं, और उसकी वजह से भी अब हम ये देखने को मिला है हमें कि गांव देहात तक भी ये कोरोना पहुंच चुका है, शहरों की भांति गांव में ज्यादा मतलब पहुंच गया, तो हम इसका क्या मतलब समझे कि दिल्ली से लोग जा चुके हैं या मतलब अपने घरों में गांव में गए हैं, तो ये बढ़ने का कारण क्या है, जैसे कि यूपी में देख रहे हैं कई जगह हम देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा है, आरएसएस ने राम मंदिर के लिए 15 फरवरी 2021 से ये कहा था कि हम 12 करोड़ परिवारों के पास जो है जाएंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए क्षेत्र विकास निधि लेंगे, उनसे पैसा लेंगे। उन्होंने 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किया लोगों से, और 60 करोड़ लोगों से मिले, तो 60 करोड़ लोगों से 2 लाख लोग अगर मिलेंगे तो वो कोरोना फैलाया उन्होंने। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो एक स्टेडियम था अहमदाबाद में जिसका नामकरण जो है सरदार पटेल के नाम से हटाकर जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर भारत के राष्ट्रपति ने किया, उस पर जो है मोटेरा में 24, 25, 26, 27 फरवरी को जो है वहां टेस्ट मैच हुए, एक हजार से ज्यादा लोग हर बार इकट्ठे हुए। फिर आप देखते हैं कुंभ में 91 लाख लोग आए। फिर आप देखेंगे रैलियां जो मोदी जी ने 53 रैलियां मोदी जी और शाह साहब ने बंगाल में की, आसाम में की, तमिलनाडु में की और जगह की, उसमें लाखों की तादाद में। तो जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनमें कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा? और आप देखिए सरकार ने उनको कहीं भी नहीं कहा, इवन चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, उन्होंने तो जो ये समझ लिया कि कोरोना नाम की चीज है ही नहीं, और इसलिए जो है कोरोना अगर आज अपना रौद्र रूप में सामने आया है तो उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो सिर्फ भारत सरकार है, उसके अलावा कोई आदमी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अच्छा वकील साहब एक बात और, बहुत कानूनी बात है, इतना कानून के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं। अभी एक बिहार का बहुत ताजा मामला चल रहा है कि देखिए जो सरकार तो मदद कर नहीं रही है पब्लिक की, जो कोरोना पीड़ित हैं लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है, और कोई पब्लिक का आदमी, कोई जन सेवक आदमी पब्लिक में आता है अपनी सेवा करने के लिए, उसको सरकार तरह तरह के केस लगा कर उसको अंदर के कर देती है। जैसे कि अभी हमने पप्पू यादव का बड़ा अच्छा चल रहा, उनको अरेस्ट कर दिया, पकड़ते किसी दूसरे केस में है और वहां जाकर के दूसरे केस में लगा करके उसको अंदर जेल भेज देते हैं, इसके बारे में थोड़ा रोशनी। देखिए पप्पू यादव हो या यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन हो या दिल्ली के जो हुसैन, तो जो भी आप
कि कोरोना के टाइम में लोगों की मदद करता है, सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना इसलिए चाहती है क्योंकि वो सरकार की सरकार ये बार बार कह रही है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना आईसीयू बेड की कमी है, ना दवाई की कमी। तो उन्होंने कहा कि जो भी आदमी जो है अगर ये कहेगा कि कमी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो। आपने देखा होगा कई अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कहता ये कहना पड़ा कि अगर कोई आदमी कोरोना के लिए किसी तरह की मदद या कमी की बात करता है और उसके खिलाफ करते हैं तो माना जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट मतलब है कि आपके खिलाफ हम जो है कार्रवाई करेंगे। तो ये जो सरकार बोलने की ये एक इनको आदत हो गई है। और जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी जी जो है बिना इंचक दिन में 10-15 झूठ जब तक ना बोल रहे हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि उनका खाना पस्ता होगा। तो इसलिए आप देखेंगे सरकारों ने वही बात अपना दिया है, वो कहते हैं कि कहीं पर किसी चीज की कमी नहीं है और अगर कोई आदमी लोगों को खाना बांटता है या उसको किसी तरह की मदद देता है तो सरकार कहती है इनको उठाकर बंद कर दो क्योंकि हमारी बदनामी कर रहे हैं, ना हम तुम्हारी को मदद करेंगे ना किसी को करने देंगे, ये सरकारों का ध्येय होता है। जैसे कि अभी इसमें जो उसकी पत्नी है पप्पू यादव की भी दिल्ली से यानी पटना जाकर के उसने बड़ा आक्रोश दिखाया है और वहां की बिहार सरकार को भी बड़ा बोला है, तो क्या इनका इनको कामयाबी मिलेगी इसमें? देखिए मैं ये कहूंगा नीतीश कुमार के लिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात है कि नीतीश कुमार की सरकार का जो है एक तरह से अंत आ गया है, वो जो है भूल गए हैं कि हमें क्या सही और क्या गलत करना है। अगर पप्पू यादव 32 साल से किसी केस में अगर मान लीजिए वांटेड थे तो उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, इसमें कोई आदमी ये नहीं कहेगा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको टाइमिंग भी देखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि आप उसमें कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी सुहागरात मनाने जा रहा हो और SHO कहे कि जाके मैं तेरे को आज ही अरेस्ट करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है किसी जो है जनसेवक का काम नहीं कर रहे बल्कि आप जो है व्यक्तिगत बदला लेने के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार अगर बदला लेने की भावना से काम करती है तो ये मतलब कि वो सरकार जो है एक तरह से हमलावर है, क्रिमिनल है और उसके अंदर स्वयं विवेक और बुद्धि नहीं है। हाँ, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि 32 साल पुराना केस ये निकाल के लाए हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया से ये क्या समझते हैं कि जायज है इस तरह से 32 साल पुराना केस? और इसमें ये भी हम कह रहे हैं सुनने में आ रहा है जिस बंदे ने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी उनके घर में इनका अब आना जाना है वर्षों से और शादी ब्याह में जाते ही आते हैं, उनका ये कहना है कि हमारा तो कोई अब कोई है ही नहीं है, ना ही हमें ऐसा कोई जो FIR दर्ज की थी इन्होंने किडनैपिंग की ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा बताते हैं। देखिए कानूनी मैं अगर कानून की बात करूं तो कानून कहता है कि अगर में किसी तरह से समझौता हो गया है तो उनको अदालत में क्वेश्चन पिटीशन डालनी चाहिए थी, पप्पू यादव को भी डालनी चाहिए थी, क्वेश्चन हाई कोर्ट में तो मामला खत्म हो जाता। अब ये ऐसा क्यों नहीं, बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कहना कि जो है सरकार ने जिस समय ये चुस्ती दिखाई है ये अपने आप में टाइमिंग जो है वो अपने आप में गलत है और वो जो है डाउट पैदा करता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब एक बार आपके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब मैं और जानना चाहूंगा आपसे आज दिल्ली के अंदर जैसे देख रहे हैं कई जगह हमें खबरें मिल रही हैं कि एक ये NGO बहुत बन रही है, NGO के नाम में मरीजों को एडमिट करने वाली बात करते हैं कि जी हम ऑक्सीजन दिलाएंगे, हम यानी अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम ये कराते हैं। तो कई जगह मतलब अब देखने को मिला है कि ये हमें तो इतना ज्यादा उसमें नहीं है कि जैसे कि अभी खान मार्केट में भी कई यानी लोगों ने बिजनेस बना लिया है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे लोगों ने NGO ने कोई? देखिए मैं NGO की बात तो नहीं कहूंगी लेकिन खान मार्केट में एक गोडाउन पकड़ा गया था जिसके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए थे जो कि ब्लैक कर रहा था। देखिए ये समय हमारा लोगों की सेवा करने का है, ना कि ब्लैक मनी या ब्लैक चीज करने का है या डुप्लीकेट दवाइयां बेचने का है। अब आपको मैं एक बिल्कुल सच्चा उदाहरण बताती हूँ और उसको आप जाके देख सकते हो, काले सराय काले खां में गुरुमुख भाइयों ने सिखों भाइयों ने एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें कोरोना के 100 बेड लगे हुए हैं और उनको वहां पे खाना और ऑक्सीजन दी जा रही है। अच्छा दूसरी बात, मैं ज्योतिष का काम करती हूँ, मेरे एक दो क्लाइंट हैं जिनकी पूरी फैमिली जो है वो कोरोना ग्रस्त हो गई थी, लेकिन ऐसे वो कोरोना से अपने घर में रह के ठीक हुए तो उन्होंने ये आवेदन किया सरकार से
उनकी फैक्ट्री है कुंडली में, उन्होंने यह आवेदन किया कि हमें परमिशन दी जाए दो प्लांट लगाने की, जिससे कि जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही हम उनको फ्री में ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। और आप देखे हिंदू भाई अभी तो ये लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों में आपस में फूट पड़ रही है। एक हिंदू भाई ने 10 करोड़ रुपया बंगला साहब को दान में दिया, जिसमें कि आप देखे 4-5 हजार आदमियों का खाना एट ए टाइम बनता है। और उन्होंने, और जिस व्यक्ति ने ये दान दिया उसने मुझे, उसने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि इसका सदुपयोग होगा गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारों की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जैसे मैं हूँ सीनियर सिटीजन या कोई सीनियर सिटीजन है उनके घर में काम करने वाले नहीं है या उनको उनको खाने की दिक्कत है, तो गुरुद्वारा कमेटी जो उनकी है, जो बंगला साहब गुरुद्वारा या कोई भी गुरुद्वारे की कमेटी है, वो उनके घर में बना हुआ खाना भेजती है, उनके बंदे आते हैं खाना दे के जाते हैं और दवाइयां दे के जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि इस वक्त हमारे देश में सबसे ज्यादा काम सिख भाई कर रहे हैं, गुरुमुख भाई कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ जितना दान किया जाए उनको उतना कम है। तो ये हमारे डॉक्टर थी सरुणा जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जानकारी हमें कोई बताई एनएनजीओ के बारे में नहीं बोली। लेकिन हम चलते हैं वकील साहब के पास ही चलते हैं दोबारा। वकील साहब, दिल्ली में इस समय हालात कुछ ज्यादा घर में है, लॉकडाउन सरकार को खोलना चाहिए स्थिति में नहीं? देखिए, ये फैसला करना सरकार के स्तर पे है, तो सरकार क्या फैसला करती, अगर हम उसमें अपनी राय देने लगे तो वो गलत होगा फिर। हाँ। जो है सरकार के पास तथ्य होते हैं, हमारे पास तथ्य नहीं होते। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक लोगों को, जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, भोजन नहीं है, उनके पास सरकार को जो है ये व्यवस्था करनी चाहिए हर ब्लॉक स्तर पर, हर गली के स्तर पर, स्ट्रीट के स्तर पर, कि वहां पर खाने की व्यवस्था की जाए और उनको दिया जाए। सरकार की तरफ से लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए था कि वो जैसे एमएलए की कॉन्स्टिटेंसी है या कॉर्पोरेटर की कॉन्स्टिटेंसी है, किसी भी छोटे या एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए कि आप उसको फोन करें और वो आपके पास जो है आपको पानी की खाने की व्यवस्था करे ताकि लोग भूखे ना मरे। आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिली होती है हिंदुस्तान में बहुत सारी, कि पति पत्नी और एक बच्चा, दो बच्चे उनके हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं। मान लीजिए पति को कोरोना हो गया, बीवी को कोरोना हो गया, तो बच्चे कैसे खाना खाएंगे? तो उसके लिए वो हेल्पलाइन नंबर होता तो लोग उनको खाना देते, उनको दवाई देते। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हमारे सामने नहीं है। और आप सोचिए कि किसी घर में मान लीजिए कोई बाप मर गया या माँ मर गई, और ऐसी हालत में अगर दोनों मर गए तो वो छोटे बच्चों का क्या होगा? अगर घर में बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप हैं, तो उनका क्या होगा? तो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको जो है छोटे छोटे स्तर पर, जैसे कि ये अपने जो आप देखेंगे अमित शाह जो है वो बार बार कहते थे हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, यानी एक पन्ने में अगर वोटर है तो हमारा एक प्रमुख है, तो इनके पन्ना प्रमुख कहाँ है? इनको एक पन्ना प्रमुख जो है खाने के लिए भी तो लगाना चाहिए कि 25 वोटर हैं इनके ऊपर, जो पन्ना प्रमुख है इसका काम है कि इनको खाना दे, इनको रोटी दे, इनको सब्जी दे, इनको दवाई दे। तो पन्ना प्रमुख जो है वोट लेने के लिए तो है, लेकिन खाना देने के लिए, पानी देने के लिए नहीं है, मदद करने के लिए नहीं है। तो ये बताता है कि एक ग्रोह बंदी हो गई है लुटेरों की, कि वोट के टाइम आपको लूटेंगे, बाकी टाइम जो है ये भूख भाग जाए। देखिए, पैंडेमिक एक्ट जब लग जाता है हिंदुस्तान में, मोदी जी ने 24 मार्च 2020 को हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पैंडेमिक एक्ट जो है लगा दिया। पैंडेमिक एक्ट लगते ही ताकत जो है उस पैंडेमिक कमेटी को चली जाती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज के समय में किसी राज्य सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत जो है मिनिस्ट्री के पास है, सारी ताकत जो है नीति आयोग के पास है, सारी ताकत जो है प्रधानमंत्री के पास है। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद घोषणा की थी दिसंबर में कि हिंदुस्तान में हर आदमी को जो है केंद्र सरकार जो है टीका लगाएगी। तो जब केंद्र सरकार ने कहा कि टीका लगाएगी और केंद्र सरकार ने कहा हम प्रिक्योरमेंट करेंगे, और सारी जो कंपनियां हैं जिन जिन दोनों कंपनियों को जो है भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, उसको जो है भारत सरकार ने कहा कि तुम सारी दवाई जो है हमें बेचोगे, तो जब केंद्र सरकार खरीदेगी, केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट तो कहीं आती ही नहीं। ये तो ऐसे है कि जैसे आप जो है किसी को, कोई आदमी शादी की बारात जो है घर बुला ले, और लड़की का बाप जब बारात घर आ जाए तो लड़के के बाप को कहे कि अब तू इनको बराती लाया, इनके खाने का इंतजाम तो खुद कर,
तो ये जो है केंद्र सरकार की नालायकी है और इसके लिए केंद्र सरकार को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन उल्टा वो जो है राज्यों के ऊपर दोष मढ़कर लोगों को बताने जा रही है कि राज्य सरकारें निकम्मी है, जबकि निकम्मापन जो है केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है वो है, प्रधानमंत्री केयर फंड है, और सारा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राज्य सरकारों को इस समय दोष देना जो है एक तरह से ओछी और घटिया राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद वकील साहब, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। मैं आपके पास आ रहा हूँ, हेलो। हाँ जी, हाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? मैं ये दुआ ये कहना चाह रहा था कि आपने बड़ा अच्छा बोला है, और आप ये कि हमारे कई सुनने में ये मिला है, अभी बहुत लोग ऐसे जो यानी कि यूपी के अंदर नदियों में लाश तैर रही हैं, और यानी सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इस विषय में कुछ बोलेंगे आप? मैंने आज यूट्यूब में देखा है कि यूपी में और बिहार में नदियों के पास लाशें पड़ी हुई हैं और वो गल गई हैं, उनको कुत्ते खा रहे हैं। मतलब आप ये देख लीजिए, अभी मैंने अभी 10 मिनट पहले आपके मतलब आपसे बात करने से पहले मैंने ये सारा देखा, और जब मैंने वो मंजर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। लेकिन देखिए कहीं पे हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर बहुत पड़ी हुई है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, पेड़ों को काटा, और जैसे हमने अधर्म की बातें की, जैसे आज ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दवाइयां डुप्लीकेट दे रहे हैं, जब हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना ये प्रकृति हमारे हमारे साथ निर्णय करते हैं। इंसान किसी के साथ निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकृति की आपदाएं है ना, जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो इंसान से एक एक से बदला लेती हैं। और ये अब ये कलयुग का अंत आ गया है और सतयुग का शुरू होना है, ये संधि समय आ गया है, जिसके अंदर की हर तरफ बाढ़, तूफान, सुनामी, लहरें, एक्सीडेंट, अगजनी की मतलब जो जाए कहीं पे, मतलब किसी के घर में आग लग गई, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, ये आपदाएं अब हमारे ऊपर टूट के आ रही हैं, टूट के, कभी हमने पहले ये देखा नहीं था। लेकिन अब क्या करें, ये हमारी ही गलतियां हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। और कहना पृथ्वी गोल है, घूम के वहीं पे आके ठहरती है दूरी पे। दूसरी बात, अगर हम कोई भी गेंद दीवार पे फेंकेंगे वो पलट के हमारे पास आएगी, जो हम करेंगे उसका हमें भोगना पड़ेगा।